हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 12 एंड नेम इज मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन का आज हम इंट्रोडक्शनरी पार्ट हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या क्या हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, और आज उसका बेस एक मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, राइट? तो इस टॉपिक को, मिनरल न्यूट्रिशन को पढ़ने से पहले आपको एक बार 5 मिनट्स रिकैप, आपको हमेशा कभी भी आप न्यू चैप्टर पढ़ते हैं तो आपका जो लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा उसका ओवरव्यू, आप उसकी समरी को आप जरूर आप स्टडी करिए। बिकॉज ऑफ दैट बायोलॉजी में ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपको प्रीवियस चैप्टर पढ़े बिना आपको करंट चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो सिमिलरली यहां पर भी हम क्या स्टडी कर रहे हैं, मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन से हमने पहले क्या स्टडी किया था, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्ट में इन प्लांट्स के चैप्टर में हमने क्या क्या हमने डिस्कस किया था, जरा आप ध्यान से सुनिए। ट्रांसपोर्ट में हमने बेसिक स्मॉल ट्रांसपोर्ट मीडियम यानी छोटे सेल टू सेल या फिर नेबरिंग सेल का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको हमने डिस्कस किया। अब स्मॉल डिस्कस किया और उसके बाद हमने एट लास्ट हमने फाइनल लॉन्ग लेंथ डिस्टेंस को भी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स को हमने डिस्कस किया। तो आपको पता है कि न्यूट्रिएंट्स कितने एसेंशियल हैं। अब न्यूट्रिएंट्स में भी फर्दर टाइप्स मिलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब कोई भी प्लांट बॉडी है, प्लांट है, ठीक है। अब हर एक प्लांट को किस चीज की जरूरत होगी, माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी जरूरत होगी और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होगी। अब माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है वो जरा मैं एक बार आपको क्लियर करता हूं। मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है कि ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि साइज में बड़े हों, साइज में बड़े हों, उनको क्या कहते हैं हम, मैक्रो न्यूट्रिएंट। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, प्रोटीन्स, ये सारे क्या हैं, लिपिड्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। लिपिड इंटरमीडिएटरी होते हैं, वो माइक्रो में भी काउंट होते हैं और उसमें भी काउंट होते हैं, मैक्रो में भी काउंट होते हैं, बिकॉज दैट इनसोल्युबिलिटी इन द वाटर। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, जो एज कंपेयर टू द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनका कंपेरेटिवली साइज छोटा होता है, तो उनको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सिमिलरली फ्रेंड्स, कि जब बात आती है न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन में भी, न्यूट्रिशन एक्चुअल में है क्या, आप जरा इसको थोड़ा सा प्लेमैन लैंग्वेज में समझिए, तभी आपको आपको टेक्निकल लैंग्वेज भी समझ में आएगी। न्यूट्रिशन क्या है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, हम आपकी बात करते हैं, मैं अपनी बात करता हूं, तो एनर्जी के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, फूड की। फूड केमिकल प्रोसेस यानी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू डाइजेशन करता है, राइट? अब वो डाइजेशन करेगा, जब मेटाबॉलिज्म जब प्रोसेस होगा, मेटाबॉलिज्म मैंने आपको दो प्रोसेसेस बताई थी, फर्स्ट इज द एनाबॉलिज्म, नेक्स्ट है कैटाबॉलिज्म, राइट? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ये दो प्रोसेसेस होती हैं मेटाबॉलिज्म की। यहां पे लिखता हूं मैं, राइट? ये है मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस, दो सब टाइप्स हैं इसके, सब पार्ट्स हैं, ये कह सकता हूं स्टेप है प्रोसेस के। तो ये प्रोसेसेस क्यों हो रही हैं, देखिए सबसे पहले जो भी हम फूड खाते हैं वो क्या करता है कि छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है,
क्या होता है, मान के चलिए आपने एक एप्पल खाया, एप्पल में रिच अमाउंट ऑफ क्या होती है, आयरन की होती है, आयरन होता है ना एप्पल में सबसे ज्यादा, ठीक है। तो आयरन क्या है, एक तरह का हमारा न्यूट्रिशनल पार्ट है, राइट। अब जब हम एप्पल खाते हैं तो सबसे पहले हमारी बॉडी में जाने के बाद वो डिफर पार्ट्स में बहुत ही स्मॉल पीसेस में डिवाइड होता है, स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो गया। अब स्मॉल पीसेस में डिवाइड होने का रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ दैट अगर पूरा का पूरा एप्पल बॉडी में जाएगा तो हमारे गले में जाके, हमारी वेसल्स में जाके फंस जाएगा, फंसेगा ना, बिकॉज अगर उसके लार्ज पीसेस होंगे तो सबसे पहले वो बिल्कुल स्मॉल पीसेस में डिवाइड होता है और एज एक तरह का एक बल्क, एक लेरी हमारे पास, एक पेस्ट टाइप वो फॉर्म में आ जाता है, राइट, बिकॉज दैट विद द हेल्प ऑफ द वाटर। इसलिए कहते हैं पानी खाने के साथ, खाने से पहले, खाने के बाद नहीं, खाने से पहले हमें पानी भी पीना चाहिए, बिकॉज दैट कि वो डाइजेशन में हेल्प करता है। सिमिलरली फ्रेंड्स, जब ये पीसेस में डिवाइड होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस लिक्विड फॉर्म से, एक पेस्ट फॉर्म से अगर मैं कहूं कि न्यूट्रिएंट्स को ग्रैप करता है, खींच लेता है। अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट को खींचेगा, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हो चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट हो, माइक्रो मैक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स को वो खींच लेता है, न्यूट्रिएंट्स खींच लिए, राइट। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम पे ट्रांसफर कर देता है, बाकी उसका काम खत्म, डाइजेशन का, एक्सक्रीट में जब चला गया डाइजेशन का काम खत्म। अब न्यूट्रिएंट्स तो आ गए, ठीक है, अब इन न्यूट्रिएंट्स में हमें कार्बोहाइड्रेट भी पड़ा है, विटामिन्स भी पड़े हैं, हमने प्रोटीन भी हमारे पास अवेलेबल है, मैग्नीशियम भी है, आयरन भी है, मैग्नीज भी है, निकिल भी है, सिलिका भी है। तो ये सारे सिलिका मैग्नीज ये क्या है, अब सबसे पहले तो हमें कार्बोहाइड्रेट मैक्रो माइक्रो तो पड़े हैं, लेकिन सिमिलरली ये जो मैग्नीज है, निकिल है, सिलिका है, आयरन है, ये सारे इस किस कैटेगरी में आते हैं, दैट आर द मिनरल्स। ये क्या है, मिनरल्स हैं, क्या है, मिनरल्स हैं। अब मिनरल्स भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं फ्रेंड्स, कौन कौन से, सिमिलरली सेम मैक्रो, अब न्यूट्रिएंट हमने लिखा है तो मैक्रो मिनरल आएगा और माइक्रो मिनरल आएगा, राइट। सबसे पहले क्या आएगा, मैक्रो मिनरल, फिर आप न्यूट्रिएंट्स भी आप डाल सकते हैं अगर आपकी मर्जी है तो, इतना भी लिख देंगे तब भी सफिशियंट है, माइक्रो मिनरल न्यूट्रिएंट। अब दोबारा से आ जाते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जब एब्जॉर्ब हुए एप्पल वाले प्लांट्स, एप्पल खाने से, तो वो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हुए, राइट। अब एक फुली न्यूट्रिशन डाइट हम कहते हैं कि हमें उसमें क्या होना चाहिए, मिल्क होना चाहिए, राइट। फुली न्यूट्रिएंट्स की डाइट में क्या होना चाहिए, मिल्क होना चाहिए। फुली न्यूट्रिएंट्स की डाइट में कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी उतना होना चाहिए, विटामिन्स भी होने चाहिए और मिनरल एंड फाइबर भी एज कंपेरेटिवली प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए। अब जिस चीज की भी कमी होती है उससे रिलेटेड डिजीज हमारी बॉडी में हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होने से क्या होता है कि हमारी बोन्स, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ दैट
कैल्शियम ही हमारी हड्डियों को मजबूती देता है, राइट। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी तो हम जो न्यू, मैं कह सकता हूं कि जो प्रेग्नेंट वीमेन्स हैं उनको जो थ्रोट पार्ट पे है काफी ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है आयरन की कमी की वजह से, और आयरन की ही कमी की वजह से उन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनका ब्लड फ्लो हैवी हो जाता है, राइट। तो इसलिए कहते हैं ना कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हमें आयरन और प्रेगनेंसी के दौरान आयरन, विटामिन, कैल्शियम प्रॉपर लेना चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट हम जो डॉक्टर्स हैं प्रिस्क्राइब करते हैं फॉलिक एसिड की टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं प्रेग्नेंट वीमेन्स को, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि वो बॉडी की आयरन की कमी को पूरा करता है प्रेग्नेंट वीमेन्स की और हेल्प करता है जाइगोट की स्ट्रेंथ बनाने के लिए, राइट। तो हेल्दी डाइट हम देते हैं प्रेग्नेंट वीमेन्स को, नॉट ओनली फॉर द प्रेग्नेंट वीमेन्स, हम हमारी नॉर्मल लाइफ में भी, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को भी प्रॉपर डाइट की जरूरत होती है, राइट। बिना प्रॉपर डाइट के कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको कमी हो जाएगी, राइट। पोटेशियम कम होगा, विटामिन्स कम होंगे, आपकी आईज की डिजीज हो जाएंगी, राइट। मैग्नीशियम या फिर रेस्ट ऑफ द थिंग्स, अगर विटामिन सी अगर आपकी कम बॉडी कम होगा तो आपके हेयर्स की इस तरह की रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। विटामिन डी होगा कमी होगी तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन कम होगा तो मसल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, राइट। तो सिमिलरली बहुत सारे, अगर कार्बोहाइड्रेट कम होगा तो ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, और ग्लूकोज की कमी होगी तो हमारा ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हर एक न्यूट्रिएंट का अपना एक प्रॉपर रोल है हमारी बॉडी के अंदर। सिमिलरली मैक्रो मिनरल का और माइक्रो मिनरल का भी एक अपना प्रॉपर रोल है हमारी बॉडी के अंदर। और उसी तरह से फ्रेंड्स, अगर ह्यूमन बीइंग की बॉडी में भी प्रॉपर रोल है तो प्लांट सेल्स में भी, प्लांट बॉडी में भी, हर एक, चाहे वो शॉर्ट प्लांट हो, चाहे वो बिग प्लांट हो, लार्ज साइज में हो, उनका भी, उनकी बॉडी में भी एक प्रॉपर सर्कुलेशन में, उनके डाइजेशन में, उनके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एक प्रॉपर रोल है मिनरल्स का। तो उन्हीं मिनरल्स को आज हम स्टडी करेंगे। तो ये तो था बेस, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट क्यों है। जिस तरह से हमारी ह्यूमन बीइंग की नीड है उसी तरह से प्लांट्स की भी नीड है ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए। अब इनके मैं एग्जांपल्स बता रहा हूं कौन कौन, माइक्रो कौन कौन से हैं और मैक्रो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रो मिनरल न्यूट्रिएंट्स की। कार्बन एक बहुत अच्छा सोर्स है इसका, ठीक है। कार्बन तो मेनली, कार्बन के बिना तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, याद रखिएगा। कार्बन तो है, होना होगा ही होगा, राइट। सल्फर, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम। कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये जनरल एग्जांपल हैं आपके, मोस्ट कॉमन एग्जांपल हैं आपके मैक्रो मिनरल न्यूट्रिशन के, न्यूट्रिशनल पार्ट के, राइट। अब बात करते हैं हम माइक्रो की।
माइक्रो मिनरल न्यूट्रिशंस के। इनके मोस्ट कॉमन एग्जांपल है आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन। आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन और इसके बाद आएगा आपका निकल। ये क्या है आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो मोस्ट कॉमनली प्लांट में पाए जाते हैं। मैक्रो क्या क्या थे हमारे पास, सल्फर, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, दीज आर द मोस्ट कॉमन। ऑक्सीजन आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और सिमिलरली आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में हम फर्दर और क्या क्या स्टडी करेंगे और इसका बेस क्या है, ये इसकी जरूरत क्यों पड़े, राइट। '60 में एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था जूलियस वैन सैक्स। ये जर्मनी के थे, और बॉटनिस्ट है। क्या है ये, बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट क्या होते हैं, प्लांट स्टडी जो करते हैं साइंटिस्ट, उनको बॉटनिस्ट कहते हैं, राइट। 1860 में जूलियस वैन सैक्स जो जर्मनी के बॉटनिस्ट थे, उन्होंने क्या पाया कि विदाउट सॉइल, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अपने लेवल पर ही, विदाउट सॉइल प्लांट को, स्मॉल प्लांट्स को न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन में उन्होंने ड्रॉप किया, या फिर मिनरल मेनली मिनरल सॉल्यूशन में प्लांट को रखा। मिनरल सॉल्यूशन को प्लांट में रखने का मोटिव क्या था कि वो चेक करना चाह रहे थे कि विद मिनरल्स वहां से उन न्यूट्रिएंट्स को लेकर प्लांट ग्रोथ कर सकता है या नहीं इन द अब्सेंस ऑफ सॉइल। इनकी कंडीशन और क्या थी, अब्सेंस ऑफ सॉइल, मिट्टी नहीं थी। क्या आप सोच सकते हैं कि बिना मिट्टी के भी प्लांट रहते हो, इंटरेस्टिंग है ना। तो आप सुनिए जरा इसको, उन्होंने 1860 में इसको ये थॉट आया उनके माइंड में कि एक बार ट्राई करते हैं, व्हाट विल हैपन, कि क्या होगा। कि उन्होंने न्यूट्रिशनल प्लांट को, एक न्यूट्रिशन सॉल्यूशन लिया, कॉटन वगैरह उसमें डाला, जैसे भी प्रोसेस किया, और मतलब सिर्फ उसमें सॉइल नहीं डाला, बाकी न्यूट्रिएंट्स उसमें सभी अवेलेबिलिटी थे, और उसमें प्लांट को रख दिया। तो आफ्टर फ्यू डेज वो देखते हैं कि प्लांट ग्रो कर रहा है, राइट, प्लांट की ग्रोथ हो रही है, और स्पेशली ग्रीन प्लांट की, ठीक है। कोई भी हमारे पास, जब ग्रोथ कब होती है, ग्रोथ कब होती है, जब प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रॉपर मिल रहा हो तभी ग्रोथ होगी, बिना न्यूट्रिएंट के तो ग्रोथ हो नहीं सकती ना, डेवलपमेंट हो नहीं सकती। तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया
कि इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल प्लांट को अगर हम डायरेक्टली न्यूट्रंट देते हैं तो वो ग्रो कर सकता है। अब फाइनल कंक्लूजन उनका ये निकला कि प्लांट जो है वो सॉइल से जो न्यूट्रेंट उनको डायरेक्टली हम प्रोवाइड कर रहे थे, आर्टिफिशियली प्रोवाइड कर रहे थे, जो प्लांट की रूट्स हैं वो डायरेक्टली सॉइल से मिनरल्स को सक करती हैं और फर्दर ट्रांसपोर्ट करती हैं रेस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, राइट। तो इस कंक्लूजन पे उन्होंने निकाला कि और भी बहुत सारे मेथड उन्होंने स्टडी किए, तो इसीलिए इस चैप्टर में हमारा जो फर्स्ट इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे मेथड, हम मिनरल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डिफर डिफर मेथड्स को हम स्टडी करेंगे। मेथड्स फॉर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल का मतलब होता है जो कंपलसरी है, जरूरी है, जो पहला टॉपिक हम यहां पर डिस्कस करेंगे दैट आर द मेथड्स को हम स्टडी करेंगे। मेथड्स किस किस चीज का? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का, भी यहां पर कौन कौन से न्यूट्रिएंट किस किस फॉर्म में और कैसे कैसे अवेलेबल है, तो इसको हम डिटेल में हम जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा तो उसमें आपको डिटेल में एक एक मेथड को आपको डिफरेंशिएट करके आपको बताऊंगा, राइट। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज द एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम डिस्कस करेंगे, एसेंशियल मिनरल्स, मैं वर्ड लिख रहा हूं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं लिख रहा, कि कौन कौन से मिनरल एसेंशियल हैं जो कंपलसरी हैं कि उनके बिना प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में सीख ली थी न्यूट्रिएंट्स की, अब उन न्यूट्रिएंट्स में भी क्या है, मिनरल्स अवेलेबल हैं, तो किन मिनरल्स के बिना प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा उसको हम डिटेल में हम स्टडी करेंगे, राइट। उसके बाद हम स्टडी करेंगे मैकेनिज्म, डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्प्शन ऑफ किसका, नाइट्रोजन का हम डिस्कस करेंगे, नाइट्रोजनस एलिमेंट का हम यहां पर, कि किस तरह से नाइट्रोजन की साइकिल क्या होती है और इनका एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि सॉइल की क्यों रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ डायरेक्टली हम क्यों दे देते हैं, क्यों नहीं दे सकते, कि प्लांट्स को सॉइल की क्यों रिक्वायरमेंट होती है, उस चीज को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं हमारे जो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म, डिस्कस करेंगे हम नाइट्रोजन का, नाइट्रोजनस साइकिल, अगर मैं एक तरह का बात करूं, मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजनस साइकिल या नाइट्रोजन का हम डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन में कह सकता हूं, यहां पर आप एसेंशियल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहला मेथड डिस्कस करेंगे, एसेंशियल मिनरल्स को डिस्कस करेंगे, फिर उनका एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, सोइल की क्यों रिक्वायरमेंट होती है ये हम बताएंगे, उसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन साइकिल को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। साथ ही इस चैप्टर में इनिशियली मैं आपको बीच बीच में आपको 1, 1, 2, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनका एक बेस, एक ओवरव्यू भी आपको थोड़ा थोड़ा हिंट आपको देता हुआ, टच करता हुआ उनको चलूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपका जो मिनरल न्यूट्रिशन का है इंट्रोडक्शनरी पार्ट फिनिश होता है। एक बार मैं फटाफट से ओवरव्यू कर देता हूं,
मिनरल न्यूट्रिशन क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन क्या होते हैं। न्यूट्रिशन कोई भी बॉडी के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी के लिए, फूड एंड हमारे पास मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उसको क्या कहते हैं हम? न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन में भी हमारे पास मैक्रो है और माइक्रो है। मैक्रो में हमारे पास मिनरल पार्ट में क्या क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस है, ऑक्सीजन है, हमारे पास पोटेशियम है, एट रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स। और माइक्रो में क्या है? हमारे पास मैग्नीज है, निकिल है, और देर आर द सो एंड सो क्लोरीन है, अलग मटेरियल पड़े हैं। अब माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन पढ़ लिया हमने, उसके बाद इनकी नीड क्यों है उसको हमने डिस्कस किया है। और 1860 में जो जर्मन बॉटनिस्ट आए हुए हैं वेंसैक, उन्होंने हमें बताया कि डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स जो मिनरल्स की हेल्प से ही प्लांट ग्रोथ करता है और सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स को ही ग्रैब करता है। और हमने फिर आपको डिटेल में बताया कि हम किन किन मेथड्स को मेथड डिस्कस करने वाले हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस करेंगे, एब्जॉर्प्शन मेथड को डिस्कस करेंगे, सॉइल का रिक्वायरमेंट को, और मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आपका जो मिनरल न्यूट्रिशन का आपका इंट्रोडक्शनरी पार्ट यहीं पर खत्म होता है, राइट? तो साथ ही मैं आपको कहूंगा कि हमारा जो चैनल है प्रोफेसर डी आर विच, प्रोफ डी आर विच के नाम से ऊपर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, जिसको कोई दिक्कत हो तो यहां से आप देख सकते हैं। और कोई क्वेरी हो, मोबाइल नंबर भी है वहां पर, आप कॉल करके आप अपनी क्वेरी को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सिमिलरली आपको कहूंगा कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इस चैनल पर आपको 9th, 10th, 11th, 12th आपको चारों क्लासेस की आपको वीडियोस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस की ऑल वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। आप इन वीडियोस को देखकर अपनी नॉलेज को, अपने कैरियर को, अपने सीनियर, अपने जूनियर और अपने खुद का कैरियर को एनहांस कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक, स्टे सेफ।